रॉकेट सिटी हॉल में मॉस्को के, और उस हमले के बाद अब जो मरने वालों की संख्या है वो 40 पहुंच चुकी है। गन फायर की आवाज अभी भी लगातार सामने आ रही है। स्पेशल जो फोर्सेस है वो पूरी तरह से जो हॉल की बिल्डिंग है उसको घेर चुकी है और हमलावरों को रोकने का, पकड़ने का प्रयास कर रही है। हेलीकॉप्टर्स इस रॉकेट सिटी हॉल के ऊपर घूम रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। एम्बुलेंसेस मॉस्को के इस क्रॉकस सिटी हॉल के बाहर मौजूद है क्योंकि लगातार अभी हमलावर इस सिटी हॉल के अंदर मौजूद हैं। चारों तरफ से स्पेशल फोर्सेस ने घेर रखा है और फिलहाल ये कहा जा सकता है कि 40 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। ये हमला थोड़ी देर पहले एक बार फिर से अभी जो आवाज वहां पर सुनाई पड़ी, जो रूसी मीडिया के हवाले से खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक तो ये कहा जा सकता है कि एक ये बड़ा हमला है और मॉस्को ने, रूस ने इसे आतंकवादी हमला करार दिया है रूस के विदेश मंत्रालय ने। तो अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है और कब तक हालात पर काबू पाया जा सकता है इसके लिए थोड़ा इंतजार और करना होगा, लेकिन फिलहाल जो स्पेशल फोर्स है रूस की उसने चारों तरफ से इस बिल्डिंग को घेर रखा है। बिल्कुल, चार हमलावर जिस तरह से अंदर घुसे और रूस जैसे एक ताकतवर देश पर हमला किया गया है, जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं कि अभी भी बिल्डिंग में मौजूद हैं ये तमाम हमलावर, यानी बेहद प्रशिक्षित लोग अंदर घुसे हैं। भारत भी आतंकवादी हमले को झेल चुका है और आप देख सकते हैं किस तरह से जो तस्वीरें दिखाई पड़ रही हैं, इस तस्वीर में भी किस तरह से आराम से घूमते हुए बड़े प्रशिक्षित से लग रहे हैं ये तमाम जो हमलावर हैं जो हमला यहाँ पर कर रहे हैं। तो बकायदा सोच समझ के ट्रेनिंग के साथ इन लोगों को यहाँ पर भेजा गया है। तस्वीरें देखकर और जिस तरह से ये हमलावर यहाँ पर प्रशिक्षित लग रहे हैं उससे तो यही नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर अगर हम रूसी मीडिया के रिपोर्ट्स को देखें तो रूसी मीडिया के कुछ रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जा रहा है कि क्रॉकस सिटी हॉल में जो ये आतंकी हमला हुआ है इसका कनेक्शन राष्ट्रपति चुनाव से भी संबंधित हो सकता है, ऐसा रूसी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से चार हमलावर क्रॉकस सिटी हॉल में घुसते हैं और लगातार अंधाधुन फायरिंग करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, ये एक प्रशिक्षित लोग हो सकते हैं जो आतंकी इस वक्त क्रॉकस सिटी हॉल में घुसे हैं जो हमला कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश हो सकती है। हालांकि कौन से गुट से ये लोग जुड़ रहे हैं, किस आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं, इसकी और ज्यादा डिटेल्स के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये बड़ा हमला मॉस्को के क्रॉकस सिटी हॉल में हुआ है और ऐसे समय में हुआ जब बड़ी संख्या में इस हॉल में लोग मौजूद थे, एक कार्यक्रम चल रहा था, अंधाधुंध फायरिंग होती है, कई जगह ग्रेनेड से हमला होता है। और इन सब के बीच में अगर आप देखिए तो ये इस वक्त मॉस्को में सबसे बड़ा हमला कहा जा सकता है। 40 लोगों की मौत हुई है और अब से 25 मिनट पहले दूसरा ब्लास्ट भी क्रॉकस सिटी हॉल में सुनाई पड़ा है मॉस्को के। तो एक इस वक्त बड़ा आतंकी हमला, जो कि रूसी विदेश मंत्रालय के अगर हम माने तो उस हिसाब से एक ये बड़ा हमला है। और आप देखिए यूएस एम्बेसी की तरफ से भी जो रशिया में है सिक्योरिटी अलर्ट किया गया है अगले 48 घंटे के लिए कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह हो वहां पर ना जाए जो अमेरिकी नागरिक इस वक्त मॉस्को में मौजूद हो। तो इस वक्त हालात आप ये कह सकते हैं कि स्पेशल फोर्सेस ने क्रॉकस सिटी हॉल को चारों तरफ से घेर रखा है, हमलावरों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि इस हमले पर काबू पाया जा सके। बिल्कुल, इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि फिलहाल मॉस्को के मेयर ने तमाम जो एक्टिविटीज वहां पर है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे खेल से जुड़ी हो, कल्चरल हो, उन्हें फिलहाल कैंसिल कर दिया है। वीकेंड पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, यानी ये डर जो है हमले के बाद ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। चार हमलावर अभी भी वहां पर मौजूद हैं, लगातार गोलियां बरसा रहे हैं और जो तस्वीर दिखाई पड़ रही है उससे देखकर यही लगता है कि ये हमलावर अधिक से अधिक लोगों की जान लेना चाहते थे। फिलहाल 40 लोगों की मौत हो चुकी है, क्रॉकस सिटी हॉल में यह हमला हुआ है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब रूसी सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर लिया है और फिलहाल इन हमलावरों पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो अपडेट मिल रहा है उसके मुताबिक अभी भी बिल्डिंग में ये तमाम हमलावर जो है वो मौजूद है। तो मॉल के अंदर दो धमाके भी हुए हैं इस वक्त, बड़ी खबर लगातार बता रहे हैं विशाल भी। विशाल, एक धमाके की बात आपने कही थी, क्या यह दूसरा धमाका हुआ है या फिर दो धमाके पहले ही हो गए थे? देखिए रूसी मीडिया की खबर के मुताबिक दूसरा जो धमाका है वो 25 मिनट पहले हुआ है अब से, और यानी कि हमलावर तैयारी के साथ आए हैं और लगातार पहले अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। और जिस वक्त से हमले की खबर आई, जब फायरिंग शुरू की गई तो पहला ब्लास्ट उस समय भी किया गया और अब से थोड़ी देर पहले दूसरा ब्लास्ट किया गया है। तो ऐसी स्थिति में कितनी देर में इस हालात से स्पेशल फोर्स काबू पा पाती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें मॉस्को से निकलकर सामने आ रही हैं, रूसी मीडिया के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं उसके हिसाब से इस क्रॉकस सिटी हॉल को चारों तरफ से घेर लिया गया है और साथ ही यहाँ पर जो हमलावर अंदर मौजूद हैं उनको
जल्द से जल्द करने का प्रयास यहाँ पर स्पेशल फोर्स की तरफ से किया जा रहा है ताकि इस हमले को रोका जा सके। और अब देखिए, रूस के विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये टेरर अटैक है, तो टेरर अटैक अगर है तो इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन इसकी जिम्मेदारी लेता है और रूस इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराता है, ये भी देखने वाली बात होगी। और लेकिन फिलहाल जी शरद जी बिल्कुल, हेलीकॉप्टर से आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। कुछ नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से एक बड़े इलाके में आग भी लग चुकी है, यानी जिस तरह से विस्फोट किए जा रहे हैं, लगातार धमाके किए जा रहे हैं, उससे कुछ इलाकों में आग भी यहां पर लग गई है। और फिलहाल 40 लोगों की मौत की खबर है, हमलावर अभी भी बिल्डिंग में मौजूद है। विशाल, इन तस्वीरों को देखकर आपको मुंबई में हुआ आतंकवादी हमला भी याद आएगा, इसी तरह से बंदूक लेकर, स्वचालित राइफलें लेकर हमलावर घुसे थे और उसके बाद उनके कंधों पर भी बैग थे जिसमें असलहे रखे हुए थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे। कुछ वैसा ही आतंकवादी हमला यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल शरद, देखिए 26/11 हमलों की जो यादें हैं वो बहुत भयावह थी और अगर हम देखें तो यहाँ पर इस वक्त जो मॉस्को पर ये हमला हुआ है क्रॉकस सिटी हॉल में, ये बहुत दर्दनाक हमला कहा जा सकता है, क्योंकि आप सोचिए जब भीड़ भाड़ वाले इलाके में किसी जगह पर एक कार्यक्रम चल, वहां पर आकर कोई अंधाधुंध फायरिंग की शुरुआत कर दे, ग्रेनेड से हमला कर दे, ब्लास्ट कर दे, तो ऐसे हालात से जो आम लोग वहां पर मौजूद रहे होंगे वो कैसे बचकर निकल पाएंगे। एक ये बड़ा आतंकी हमला पर हुआ है और टाइमिंग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी कुछ ही दिन पहले व्लादिमीर पुतिन एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि इस बार जो उनको मत प्रतिशत मिला है वो बहुत ज्यादा मिला है और इस टाइमिंग को लेकर ही लगातार रूसी मीडिया भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार क्या इसका कनेक्शन जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं उससे भी संबंधित हो सकता है क्या, क्योंकि रूस विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा है कि टेरर अटैक है। अगर ये टेरर अटैक है तो कौन लोग शरद इसके पीछे जिम्मेदार है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो मॉस्को से खबर आ रही है उसके मुताबिक इस बात की कोशिश की जा रही है कि चारों हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके और अगर बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग अभी निकलने में कामयाब ना हो पाए हो तो उन लोग सुरक्षित निकाला जा सके। तो बिल्कुल, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका की ओर से भी एक बयान आया है। फिलहाल जॉन किर्बी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने कहा है कि फिलहाल अमेरिका को किसी तरह की जानकारी नहीं है क्रॉकस सिटी अटैक के बारे में। तो बड़ी खबर, रूस की तरफ से ये कहा गया था कि जो बड़े पश्चिमी देश हैं वो आतंकवादी हमले की निंदा करें और फिलहाल अमेरिका की ओर से बयान आया है। जॉन किर्बी ने कहा है, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं व्हाइट हाउस के, उन्होंने साफ साफ ये बात कही है कि अभी फिलहाल अमेरिका के पास इस हमले से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। लगातार इसे से आप बता रहे हैं विशाल, 87% वोट मिले थे, सबसे बड़ी जीत कह सकते हैं आप, सोवियत संघ के विघटन के बाद जब रूस बना, रूस में किसी को इतनी बड़ी जीत नहीं मिली है जितनी बड़ी जीत व्लादिमीर पुतिन ने इस बार हासिल की है। इतनी बड़ी जीत के बाद आए हैं, पांचवी बार रूस की कमान संभाली और उसके ठीक कुछ दिनों बाद ही इतना बड़ा आतंकवादी हमला होता है। अगर उस पर आतंकवादी हमलों के इतिहास की बात करें तो हाल फिलहाल इतना बड़ा आतंकवादी हमला खासकर राजधानी मॉस्को में तो दिखाई नहीं पड़ा और रूस जो बहुत स्ट्रिक्ट रहता है खासकर अपने आप छोटी हाल जी घटनाओं को देखें तो कुछ ड्रोन से हमले करने की कोशिश जरूर मॉस्को पर की गई थी पिछले कुछ महीनों पहले, लेकिन ये जो हमला हुआ है मॉस्को पर एक ये बहुत बड़ा हमला है, इसे रूस ने आतंकवादी हमला करार दिया है और रूस के विदेश मंत्रालय की जो प्रवक्ता है उनकी तरफ से बयान जारी कर ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी निंदा करनी चाहिए, इस आतंकवाद की घटना की निंदा करनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ सकती है और फिलहाल हमलावर अभी भी जो सिटी हॉल है वहां पर मौजूद है और स्पेशल फोर्स ने बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर रखा है, हेलीकॉप्टर से आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और लगातार जो हमलावर है कुछ अन्य इलाकों में मॉस्को में मौजूद ना हो, क्योंकि ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत, बहुत सोची समझी प्लानिंग के तहत ये हमला प्लान किया गया होगा कि ऐसे वक्त किया गया जब बड़ी संख्या में लोग इस क्रॉकस सिटी हॉल में मौजूद थे और पहले फायरिंग की जाती है, क्योंकि रूसी मीडिया के मुताबिक मशीन गन का भी इस्तेमाल यहाँ पर जो आतंकवादी है उनकी तरफ से किया गया है, तो ये जो चारों हमलावर है ये किस संगठन से जुड़े हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है मौजूदा हालात में कि हमलावरों का संबंध किन लोगों से है या किस गुट से है, क्योंकि जिस तरह से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है या जो रूस का राष्ट्रपति चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुआ है इन सबसे भी क्या कोई इस हमले का कनेक्शन है, क्योंकि आप देखिए अभी जो धीरे धीरे कर इस पर और ज्यादा प्रतिक्रिया देशों की आनी
शुरू हो जाएगी। अमेरिका समेत जो अन्य देश है वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन फिलहाल मॉस्को पर ये बहुत बड़ा हमला है और देखना यही होगा कि कितने जल्दी हमलावरों को पकड़ने में रूस की स्पेशल फोर्स कामयाब हो पाती है और इस मामले का खुलासा किस तरह से रूस करता है। बिल्कुल, खुलासा किस तरह से करता है और जवाबी कार्रवाई किस तरह से करता है रूस, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने चुनाव के दौरान भी ये बात कही थी कि संप्रभुता पर कोई हमला होता है और उनके देश पर कोई हमला होता है तो वो कड़ा जवाब देंगे, और यहाँ तक कि उन्होंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल तक की बात की गई थी। अगर कोई बहुत बड़ी साजिश होती है या फिर कीव जैसी की एजेंसियां होती हैं इसमें सम्मिलित होती हैं या फिर उनका कोई हाथ पाया जाता है तो व्लादिमीर पुतिन किस तरह से इसको रिएक्ट करेंगे वापस, ये भी देखने वाली बात होगी।